डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। हजारों लाखों साल पहले जब मनुष्य इस धरती पर आया था, तब से लेकर आज तक एकमात्र चेहरा है जिसे वो देखना चाहता है, जिसे वो संवारना चाहता है। वो चाहता है कि इस पर कोई दाग ना लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उम्र के साथ में और उम्र के साथ चीजें बदलती हैं और चेहरा कहीं कुछ धूमिल होने लगता है। खैर, ये तो उम्र के साथ में होता है, लेकिन अक्सर कम उम्र में भी चेहरे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। उसका बड़ा कारण है मुहासे, एक्ने, पिंपल्स। क्या इनसे भी मुक्ति पाई जा सकती है? अमूमन हम ये देखते हैं कि जब हम लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा होता है, एक उम्र के साथ में ये खत्म हो जाएगा, वो किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का मेडिकल विज्ञान कहता है कि यदि आप सही समय पर इसका इलाज करवाएंगे तो आपको मुहासों से मुक्ति मिल जाएगी। इस वक्त हमारे साथ में एक डॉक्टर शीनी पारिक जी मौजूद हैं, जो MD हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि ये मुहासे, पिंपल्स, एक्ने, इनका कारण क्या है और क्या वाकई चेहरों से इन्हें मुक्त किया जा सकता है या इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और चूंकि आपको देखते हुए लग रहा है कि आप बिल्कुल सही मुफीद डॉक्टर हैं जो एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए इलाज दे सकती है, क्योंकि आपके चेहरे पर एक भी पिंपल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस किस तरह के लोगों को होते हैं और क्या ये होते ही हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है? देखिए, एक्ने अधिकतर या पिंपल्स जिसे हम कहते हैं, पहले तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई समझता है कि पिंपल्स कम सीवियर फॉर्म है, एक्ने ज्यादा सीवियर फॉर्म है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक ही चीज होती है, बस एक मेडिकल टर्म है, एक कॉमन टर्म है जी। ये अधिकतर आधी जनता में ये समस्या पाई जाती है, बिल्कुल कॉमनली ये टीनेज में, जैसे 10 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन किन्हीं लोगों में ऐसा देखा गया है कि लेट 20s 30s की एज में भी ये स्टार्ट होती है। और अगर सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो एक्ने 60 साल की उम्र तक भी हो सकते हैं जी। कारण क्या है? मतलब ये कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी होते हैं। तो जिनको होते हैं, क्या कारण होता है कि? बेसिकली एक्ने जो है ये हमारे स्किन के अंदर ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स, यानी कि सेबेशियस ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। तो किन्हीं लोगों में हॉर्मोन्स की वजह से इन ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाता है। अच्छा। और ये साइज बढ़ने की वजह से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अच्छा। जब ये ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारे चेहरे की त्वचा के पोर्स को ये ऑयल ब्लॉक करने लगता है। ये ब्लॉक्ड पोर्स में जमा हुआ ये एक्सेस ऑयल कीलो का रूप ले लेता है, जैसे हम ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स के रूप में निशान देखते छोड़ जाते हैं जी। अब ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के अंदर जब हमारी त्वचा में रहने वाले नॉर्मल बैक्टीरिया, यानी पस के नॉर्मल कीटाणु इन्फेक्शन करते हैं, तो ये लाल फुंसी का रूप ले लेते हैं। ये लाल फुंसी छोटी बड़ी पस वाली सभी प्रकार की हो सकती हैं। और जब ये फुंसियां ठीक होती हैं तो ये दाग, धब्बे, गड्ढे सभी प्रकार की चीजें छोड़ती हैं और इनसे हमारा चेहरा कई बार परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है जी। क्या ये अनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है? जी, देखा गया है कि जिनके माता पिता को टीनेज में इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है, उनके बच्चों में इसके होने की संभावना अधिक रहती है। तो अनुवांशिक इसको पाया गया है जी। जिन लोगों को होता है, अमूमन ऐसा अगर हम कस्बों की बात करें, गांव की बात करें, तो वहां पर ये ध्यान दिया नहीं जाता है जी। क्या किया जाए? मतलब बहुत प्राथमिक रूप से यदि उनके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तब क्या वो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि इनकी त्वचा में नॉर्मल से ज्यादा तेल बन रहा है तो इनको ऊपर से कोई भी तेली चीज लगाना नहीं है। यदि ये ऊपर से कोई भी हैवी क्रीम, मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो इनके पोर्स और ब्लॉक होंगे और मुहासे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, सिर में तेल ना लगाएं, क्योंकि सिर में जो तेल लगाते हैं वो पूरा फैल के स्किन पे आता है और हमारे पोर्स को ब्लॉक करता है।
तीसरा, चेहरा धोते समय कोई भी नॉर्मल जेंटल फेस वॉश का उपयोग करें, जी हार्श सोप या स्क्रब वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें, जी क्योंकि इनकी स्किन नॉर्मल से सेंसिटिव होती है। यदि इस पे स्क्रब करते हैं तो ये जल्दी इरिटेट होती है और पिंपल को बढ़ावा देती है। जी इसके साथ ही एक कॉमनली ग्राउंड लेवल पे गांव में या एक जनरल पब्लिक ने देखा गया है कि ये मेडिकल से जाके कोई या किसी दोस्त से पूछ के कोई क्रीम ट्यूब ले ले आते लेते हैं हैं, और बिल्कुल बिल्कुल लगाते हैं, होता है ऐसा, तो ये बिल्कुल भी नहीं 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 करना होता है, है क्योंकि जो भी क्रीम इनको मिलेगा मेडिकल से जी या किसी दोस्त की सलाह से, इसमें हमेशा स्टीरॉयड के कॉम्बिनेशन वाले क्रीम्स होते हैं। जी स्टीरॉयड क्या करता है, शुरू में 5-7 दिन तो आपको चेहरा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ये निश्चित लालपन को दबाता है, जी लेकिन कीटाणु को दबाने की क्षमता नहीं स्प्रेड रखता, नहीं होती है। क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो स्टीरॉयड के प्रभाव में बढ़ता है। अच्छा इसलिए टेम्परेरी बेनिफिट के लिए ये क्रीम्स लगाते तो हैं, जी लेकिन जब भी इसको इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहेंगे या जी छोड़ेंगे, जी तब चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे क्रीम्स के चक्कर में ना ना पड़े, पड़े और किसी दोस्त से, मेडिकल वाले से या किसी भी जन से पूछ के ऐसे किसी एक्सपर्ट उपचार से ही ना बात की करें। जाए बिल्कुल, हमेशा एक्सपर्ट से पूछें जी, और घरेलू उपचार भी ना ना करें। करें खाने की चीजों को खाएं, चेहरे जी, पे लगाएं उससे नहीं, बहुत ज्यादा क्योंकि संबंध नहीं होता। रिएक्शन हो सकता है। कोई भी चीज का जूस या रस पीस के लगा लिया जी चेहरे जी पे, जी ये जी सब बहुत होता है, जिससे जी एलर्जी होके चेहरा और बिगड़ खराब हो बिगड़ सकता जाता है। है। वो वर्किंग वुमन जो जिन्हें तो बाहर निकलना ही होता है, तो जी उनके लिए क्या सलाह देंगी आप? क्योंकि क्या, अच्छा क्या ऐसा भी है कि जो फील्ड में नहीं जाती महिलाएं उनको नहीं होता, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बिल्कुल है भी नहीं है। जी घर में रहने वालों को भी पिंपल हो सकते हैं, जी बाहर निकलने वालों को भी हो सकते हैं। मौसम के प्रभाव में सिर्फ ये है कि गर्मियों में त्वचा थोड़ी ज्यादा ऑयली होती है, तो जी गर्मियों में पिंपल ज्यादा होते हैं, जी ठंड में थोड़े से ड्राई होने चाय की होते वजह हैं से कम हो कम हो जाते हैं। जाते हैं बाकी इसका जी, बाहर जाने से इतना संबंध नहीं है जितना हमारे अंदर के शरीर और हार्मोन्स के प्रभाव से जी लेकिन संबंध एक है। बार इतने हो गए पिंपल्स हो गए और वो जी बाहर निकल रहा है, ऑयली हो जी रहा है, फिर तो शायद तो बढ़ेंगे वो। देखिए, अगर बाहर निकलते हैं, ज्यादा ऑयली होता है, तो फिर 2-3 घंटे बाद अगर चेहरा धो सकें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, सनस्क्रीन जो है वो मेडिकेटेड, मेडिकेट एकदम लाइट वेट और नॉन कॉमेडोजेनिक, नॉन ऑयली, जी वाटर बेस्ड सनस्क्रीन अपने डॉक्टर से सलाह लेके लिखवाएं। वो सनस्क्रीन का यूज करें तो एक पॉल्यूशन से, धूप से प्रोटेक्शन की लेयर भी बनती सकती है, हूँ जी और जो पिंपल से दाग होते हैं उसकी मात्रा भी कम होगी, और वो दाग बनने का जो गहरापन, कालापन है, वो भी चेहरे से कम कम हो होगा अगर सकता है प्रॉपर सनस्क्रीन यूज करके जाते हैं जी। तो। क्या ऐसा भी है कि यदि आप स्ट्रेस में हैं, जी तनाव में हैं, जी तो उसका असर भी क्या एक्ने के रूप में, बिल्कुल, मुहासे के रूप में स्ट्रेस देखने को का तो मिलता है, हम देखते ही हैं कि हर बीमारी में स्ट्रेस संबंध का है संबंध रहता है। जी स्ट्रेस एक्ने करा तो नहीं सकता, जी लेकिन जिनको एक्ने होते हैं जी या जी जिनकी टेंडेंसी है स्किन की, उनके एक्ने बढ़ा बढ़ा जरूर सकता सकता है। है। अच्छा तो जिनको भी एक्ने होते हैं, जी मुहासे होते हैं, जी उनको एक स्ट्रेस फ्री रूटीन लाइफ में मेंटेन करना जी चाहिए। एक रेगुलर लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी बैलेंस डाइट लें जी और उससे एक नॉर्मल रूटीन मेंटेन करें। आपने बैलेंस डाइट की बात कही, जी बैलेंस डाइट के मायने हम क्या समझें? अगर सुबह से हम शुरू करें जी और डिनर तक पहुंचे तो जैसे कैसा होना बैलेंस चाहिए? डाइट के अंदर एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिसमें प्रॉपर कैलोरीज डिवाइडेड हो, वैसा लेना जी चाहिए। एक्ने वाले पेशेंट्स के लिए देखा गया है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी लो शुगर कंटेंट वाला जो फूड है वो फायदा जल्दी लाने में हेल्प करता है, अच्छा लेकिन अभी एक्ने के डाइट के साथ रोल पे काफी रिसर्च चल चल रही रहा है, है तो अभी ऐसा पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते, जी लेकिन कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ तली गली चीजों पे काफी डिबेट है। जी तो इन जनरल ऐसा मेरा मानना है कि जंक फूड्स को अवॉइड करें और जी सिंपल जितना हो सके घर का खाना खाएं, जी हेल्दी चीजें लें, सूप, सैलेड्स, जी हरी सब्जियां, दाल। भले ही आप रोटी का कंटेंट कम कम कर रखें, लें लेकिन सब्जी और दाल का कंटेंट बढ़ा लें। ज्यादा रखें, इन अच्छा जनरल हर चीज में बॉडी के लिए वो फायदा अच्छा करती है। ये एक्ने प्रोन जो स्किन है, ये क्या है एक्चुअली? एक्ने प्रोन स्किन ये है जिनकी स्किन बॉर्डर लाइन ऑयली होती है, जिनको ऐसे तो एक्ने नहीं होंगे, जी लेकिन क्योंकि ऑयल नॉर्मल से हल्का सा ज्यादा बनता है, तो जब भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुए या चेहरे के साथ कोई छेड़खानी करी, जी हैवी जी ऑयल क्रीम्स ये सब लगाए जी
या पार्लर में कोई फेशियल करवा लिया, तो इनसे एक्ने फिर बढ़ सकते हैं, या मेकअप लगाने से। इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा छेड़खानी ना करें और अपनी स्किन को नॉर्मली जो डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर प्रोडक्ट से मेंटेन करें। अच्छा, अक्सर ये देखा भी गया है कि जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें ज्यादा देखने में मिलते हैं, उसका कारण क्या रहता है? क्योंकि 13-14 साल के बाद ही हमारे बॉडी में जो है हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो ये हार्मोन्स इस एज में पीक पे रहते हैं। अच्छा। इसीलिए इनका असर भी हमारी स्किन पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है उस समय में। इसीलिए 17-18 साल की उम्र में एक्ने का देखना सबसे कॉमन है। जी, तो क्या वही राइट टाइम होता है कि हम प्रिकॉशन लें? हाँ जी बिल्कुल, जब भी एक्ने स्टार्ट होता है हमें तभी से प्रॉपर सलाह से कंसल्ट करना चाहिए। देर करने से चेहरा खराब हो सकता है, क्योंकि हम शुरू में समझ नहीं पाते हैं कि किसको कितने सीवियर एक्ने हो सकते हैं। कभी बड़ी बड़ी फुंसियां हो के चेहरे पे गड्ढे छूट जाते हैं, तो अगर टाइम पे इलाज करें तो गड्ढों से भी बचा जा सकता है। निश्चित रूप से, एक डॉक्टर के बतौर में फिर से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर के बतौर आप क्या मेडिकेशन देती हैं? जो कोई व्यक्ति आपके पास में आता है, गर्ल आती है, बॉय आता है, तो आप क्या पहली चीज क्या कहती हैं? सबसे पहले तो जो प्रिकॉशंस मैंने अभी समझाए, मैं हर पेशेंट को वो चीज समझाती हूँ कि हम इससे कैसे इसको खराब होने से पहली चीज बचाएं, और फिर अपन नेक्स्ट स्टेप जो है इलाज की ओर बढ़ते हैं। हर पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से, उसकी एक्ने की सीवियरिटी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान जो है डिसाइड किया जाता है। अगर बहुत कम मामूली से हैं तो शुरू में एंटीबायोटिक क्रीम्स, ऑयल कंट्रोल क्रीम्स की मदद से इन्हें कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसके बाद में भी अगर कंट्रोल नहीं आता है तो हमें ओरल एंटीबायोटिक्स या ओरल रेटिनॉइड्स, जो कि ऑयल कंट्रोल की बेस्ट अवेलेबल अभी दवाइयां हैं, वो स्टार्ट की जाती हैं। इसके साथ में जैसे लड़कियाँ हैं, अगर जिनको PCOD या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उसके बारे में भी पूछताछ करते हैं हम। यदि किसी को साथ में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयां भी इसके साथ में चालू करना जरूरी है, क्योंकि यदि कोई चीज इसको बढ़ावा दे रही है तो हम यदि उसे रूट कॉज पे ट्रीट नहीं करेंगे तो पिंपल तो बार बार होंगे। और फिर भी इसके बावजूद कभी कभी दवाइयों से स्लो रिस्पॉन्स आता है, या किसी को जल्दी रिस्पांस चाहिए या जल्दी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो कुछ प्रोसीजर्स की हेल्प ली जाती है, जैसे कि कोई लेजर्स हो गए, केमिकल पील्स वगैरह हो गए। इनके बारे में अभी आपने सुना होगा, ये चीजें आ रही हैं बिल्कुल, जिनसे इन्हें जल्दी ठीक करने में मदद की जा सकती है। इसके अलावा कभी गड्ढे हो जाते हैं तो लेजर रिसर्फेसिंग या डर्मा रोलर, इन सब चीजों से गड्ढों को जल्दी ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, चेहरा धोने से भी कोई संबंध है कि एक बार, दो बार, तीन बार? चेहरा जिनकी ज्यादा ऑयली स्किन है उनको 2 से 3 बार धोना चाहिए। बहुत ज्यादा चेहरा धोने से भी पूरा जो नेचुरल ऑयल है वो डिप्लीट हो जाता है फेस का, तो ज्यादा ड्राई भी नहीं करना है हमें फेस को, जिससे हमारा नेचुरल जो बैरियर है स्किन का, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो भी खराब होती है। तो 2 से 3 बार, मैक्सिमम 4 बार चेहरा धो। साबुन कौन सा उपयोग किया जाए? या कोई भी जेंटल फेस वॉश का यूज करे, सोप का यूज फेस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोप ज्यादा करता है फेस को। अच्छा। और बहुत ज्यादा हार्श फेस वॉश भी यूज नहीं करना चाहिए। सिंपल कोई भी फेस वॉश और हल्के हाथ से चेहरा धो के चेहरा पैट करें। जी। ये जो कार्यक्रम इस वक्त लोग देख भी रहे होंगे तो थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, लेकिन ये भी होता है कि सूरत से क्या होता है, सीरत होना चाहिए, आप अंदर से खूबसूरत हो। जी, तो डॉक्टर के बतौर आप क्या कहती है? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये बात तो सच्ची है कि मन तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में आजकल हम देखते हैं कि यदि चेहरा साफ नहीं होता है तो मन ही मन में कुछ मरीजों का जो है कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। हम 4 लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारा चेहरा भी साफ हो। आजकल फोटो कैमरा फिल्टर की दुनिया है, तो हम इसलिए ऐसा प्रमोट करते हैं कि अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आप अंदर से भी हेल्दी फील करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। आजकल तो अखबारों में भी अभी जो मैट्रिमोनियल का जो विज्ञापन आता है उसमें रंग का वाला पार्ट हटा दिया गया, बैन कर दिया गया। ये बहुत अच्छी खबर है और ये सुधार आ रहा है धीरे धीरे भारत में, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि सुधार आए। क्लियर स्किन होना चाहिए, गोरे या काले से कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ त्वचा हो, हेल्दी त्वचा हो। चलिए डॉक्टर, आप हमारे बीच में आई और हमसे बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी बात है की, बहुत सारा धन्यवाद। तो एक्ने, मुहासे, पिंपल्स, इनसे मुक्त हुआ जा सकता है।
ये वो चीज नहीं है कि आएगी और चली जाएगी, कई बार ये चेहरों पर निशान भी छोड़ जाती है और ये निशान आपको आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर शीनी फारिक साहब से बातचीत हमारी हुई और हम इस बात के नतीजे पर पहुंचे कि निश्चित रूप से सीरत तो होनी चाहिए लेकिन चेहरा खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा साफ होना चाहिए। यदि चेहरा साफ है तो हमारा मन भी साफ है, हम आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड।